नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया और मैं हूं एमके अखमल। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड में अबुआ आवास जोर शोर से चल रहा है। इस अबुआ आवास को लेकर के बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं। कई लोग मुखिया को आरोपी बता रहे हैं, कई लोग स्वयं सेवक को। लेकिन हम अभी पहुंचे हैं मनातू प्रखंड के चक पंचायत में, और चक का ये टीला गाँव है। हम यहाँ से पर कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे अबुआ आवास पर ही कि चक पंचायत का क्या स्थिति है अबुआ आवास को लेकर के। क्या बताएं आप, अबुआ आवास में आप लोग का नाम वगैरह है? हाँ, नाम तो आ गया है, लेकिन बोल रहे थे कि आपको देखिए, हमको वो वाला घर है, देखिए तो आधा में काचिया है और कमा धमा कुछ निकाल करके पैसा अब बनवाए है। तो क्या बोल रहे हैं कि आपको पाकिया है, गिलाव पर जोड़े हैं, अब बोल रहे हैं कि पाकिया है, तो पैसा कोने में नहीं आएगा, दीजिए 5,000 तो पैसा आएगा, तो नहीं आएगा। तो अथी हम इसमें दे दिए 1,000 दे दिए, फिर भी कह रहे हैं कि ना 1,000 में नहीं होगा, तो 5,000 दीजिए अभी। तो हम बोले कि सर 5,000 तो है ही नहीं है, तो हम 5,000 अभी आएगा तब ना हम 5,000 देंगे, और फिर परस में फिर आ जाएगा तो फिर और कोई दूसरा 10,000 लेगी। हार अभी तक आप कितना दे दिए, हम ही पूछ रहे हैं। 1,000 दिए हैं। कौन लिए हैं, क्या नाम है उनका? तो मुस्ताक मियां लिए हैं। अच्छा, वो कौन, किसके बारे में कह कर लिए हैं? उनको मनातू भेजना है, मीडिया वाला आया था फोटो खींचना हमको ने, तो ही कह रहे थे कि मीडिया वाला के। तो मीडिया वाला कॉलोनी थोड़ी दिला देता है, मीडिया वाला से मतलब नहीं है आपको। फोटो खींच टैग जीरो टैग फोटो वोटो खिंचाया है? हाँ, खिंचाया। आप अपना पैसा को लेकर के बात करिए, आपका लिस्ट में नाम है वहाँ? हाँ, लिस्ट में नाम है। तो आप ये बताइए कि आप मुश्ताक मियाँ पे आरोप लगा रहे हैं, मुश्ताक मियाँ क्या बोले, वो मतलब क्या है मुश्ताक मियाँ? अब वही फार्म वर्म भर करके ले गए थे। तो फार्म उनको कौन देता है? पता नहीं कौन देता है। अच्छा, ये सब बात आप लोग मुखिया जी से नहीं मिलते हैं, यहाँ के मुखिया जी से? मुखिया जी से तो मिले करते हैं, तो बोलते हैं कि तो जो जो खर्चा किया है आने जाने में तो मेरे करेगा। अच्छा, मुखिया जी क्या कहते हैं कि खर्चा किया है आने जाने में? कौन किया है? मुश्ताक मियाँ तो लेगा ही, ऐसा कह रहे हैं वो। दिया है मुश्ताक मियाँ ना, मुश्ताक में बोल रहे हैं कि मीडिया वाला को ले जा कर दिए 1,000। अच्छा, मीडिया वाला को 1,000 दिए हैं? हाँ। मीडिया वाला को कैसे दे सकते हैं 1,000? जो जो फोटो खींचने आया था ना, उन्हीं को दिए। तो फोटो खींच के मीडिया वाला, हम फोटो खींच के ले जाएंगे तो आपका कॉलोनी हम थोड़ी दिलवा देंगे। थोड़ा सा आगे जवाब आप बताइए, क्या परेशानी है आप बताइए थोड़ा सा। परेशानी है कि हमको कॉलोनी आया है, कॉलोनी आया है तो पैसा भी 40,000 रुपये गिर गया है खाते में। तो उन लोग बोल रहा है कि आप 10,000 रुपया हमको दीजिए, हम ले लेंगे, हमको आने जाने में कुछ मुखिया के देंगे और कुछ कमेटी के आदमी के देंगे और कुछ हम रखेंगे। हम बोले कि आप ही हम दे देंगे, हम क्या सका करेंगे, हम गरीब आदमी, हमको पास तो है नहीं कि हम घर से हम लगा सकते हैं। जो सरकार दी है तो सरकार के ऊपर हम है, मतलब 40,000 आपके खाता में आ गया। हाँ, आ गया। उसमें से 10,000 मांगा जा रहा है। हाँ, मांगा जा रहा है। नहीं, बोल रहा है उन्हें कि आप निकाल के दीजिए। हम बोले कि निकाल के इसको भी हम दे देंगे, हमको 40,000 रुपया आया है, उसमें हम छड़ गिरावेंगे, ईटा गिरावेंगे, बालू गिरावेंगे, तो आपको हम 10,000 दे देंगे, अभी क्या सका करेंगे। आपके बगल में तो 10,000 रुपया दे चुके हैं? नहीं, हमने देनी है। आप नहीं दी? नहीं, नहीं दी है, लेकिन लोग से ले ले रहे हैं। हाँ, मांग कर हाँ, रहे हैं। बाकी हमको से पिन कभी न कभी पिन हमको से लिया जाएगा, ये बोला गया है। हाँ, बोला गया है, कभी न कभी आपको देना ही देना ही पड़ेगा, आज दे कल दे परसों दे, बाकी देना ही पड़ेगा 10,000 रुपये। हाँ, 10,000 रुपये। अच्छा, ये आप, आपका ये कच्चा मकान? हाँ, हमको पूरा कच्चा मकान है, ये पूरा टूट गया है मकान पूरा एकदम। आपसे 10,000 मांगा जा रहा है? हाँ, मांगा जा रहा है। हम अभी एक को पैसे नहीं, हम पैसे निकाल भी नहीं किए हैं, जब गार्जियन हमको आवेंगे ना तब निकालेंगे। किस नाम से है इंदिरा भाई आपका आवास? रसाक मिया के नाम से। रसाक मिया टीला। हाँ, टीला। पंचायत चक। हाँ, पंचायत चक। 2024-25। हाँ, तो 10,000 रुपये आप समाएंगे कि आप नहीं दिए? नहीं दिए। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये महिला जो है ये कह रही है कि 10,000 रुपए इनसे मांगा जा रहा है, जबकि इनके खाते में 40,000 रुपए जो है वो पहला किस्त आ चुका है। इन पर लगातार इन पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप 10,000 रुपए जमा करें, नहीं तो आपका इंदिरा आवास योजना जो है वो काट दिया जाएगा, अबुआ आवास योजना काट दिया जाएगा। अगर अभी आप नहीं देते हैं तो आगे चल के कभी ना कभी 10,000 रुपए आपको देना पड़ेगा, ये ऐसा कहा जा रहा है आपको? अभी मांग रहे हैं तो अभी हम, आप कीजिए चाहे मत कीजिए, बाकी अभी हमको निकाल के दे दीजिए। हम बोले कि पैसा को निकाल के दे देंगे आपको, अभी हमको कुछ काम हो भी नहीं किया है,
पैसे दे देंगे हम, जब हमको काम हो जाएगा तब ना आपको हम देंगे। अच्छा कौन नाम हो आपको बता सकते हैं? आबिद जाबिद 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 जावेद नाम है। जावेद नाम है। अविनुस। अच्छा जावेद अविनुस नाम। हाँ दो तो हमको से सब मांगा, सब जीरो शुरू से मांगा है आबिद। हमको पता नहीं था कि इनुस भी साथ है, बाकी हमको बाद में पता चला कि इनुस भी है साथ में है। तो आपने देखा कि जिस तरह से इन महिलाओं ने जो आरोप लगाए हैं, जो बातें बताई है, ये काफी निंदनीय है। हम आपको बता दें एक बार फिर से कि ये जो घर आप देख रहे हैं, जो मिट्टी का घर, ये रोजन मियां का घर है जो तिल्हा में है, और ये आप बगल में एक और घर देख रहे हैं, ये भी घर है जिन आवास योजना है। एक तरफ रोजन मियां जो कि 10,000 रुपया इनसे ऑलरेडी ले लिया गया है, और दूसरी तरफ इनके खाते में 10,000 रुपया इनसे मांगने के लिए लगातार कोशिश, लगातार प्रयास, और इनके दरवाजे पर लोग आ रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मनातू प्रखंड के चक पंचायत के टिल्हा से, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये महिलाएं जिनसे अभी हमने बात किया और जो बातें सामने निकल करके आई है वो ये है कि एक तरफ जहां 10,000 रुपए ले लिए गए हैं, तो दूसरी तरफ लगातार दबिश की जा रही है इनसे पैसे लेने की। आपने ये भी देखा। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।